गुड मॉर्निंग क्लास, वी वर ऑन लेसन नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। हाफ ऑफ द लेसन वॉज ऑलरेडी कम्प्लीटेड। वी वर डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट टुडे। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। So before getting into that, I hope you remember what the density of population was. Density of population means the average number of person that lives in per square kilometer, and that is termed to be as density of population. And the factors that affect this density is, actually there are various factors that affect this density of population, like geographical factors, altitude, climate, weather, topography, the types of crops, the crops, the minerals that are available, water and energy resources. But along with it, we have some transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization means the large number of industries being built. Then we have employment opportunity, urbanization, the latest technology. This also affects the density of population. So there are 5 states that have the maximum population in India, and naming them we have Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. These are the 5 states of India which are highly populated, or you can say it has maximum population. And the 5 states and union territories that have the least population, we have Lakshadweep Island, Diu and Daman, Dadar and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Island and Sikkim. These are the 5 states and union territories that have the least population. Okay. So the next topic here we have birth rate. So the total alive infants in 1 year per 1,000 person is in a given area is known as birth rate. मतलब जो total number of alive infants, मतलब जो छोटे बच्चे babies जो जिंदा है उनको compare करते हैं per 1,000 persons. तो एक ईयर में एक पर्टिकुलर एरियाज में जो कंपैरिजन होता है उसे हम बर्थ रेट बोलते हैं। तो जो पास्ट फ्यू ईयर्स से जो बर्थ रेट है इंडिया में वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, मतलब बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है। तो जो पीपल लोग हैं इन इंडिया, दे आर एक्चुअली एक्सरसाइजिंग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से ये डिक्लाइनेशन हो रहा है। पर जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव जैसे एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन जो फैमिली प्लानिंग की है वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली लेसर है देन दी अर्बन एरियाज़। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटी में कमी है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इग्नोरेंस है, इन सब की वजह से जो बर्थ कंट्रोल में जो रेट है वो यानी प्रॉब्लमेटिक है इन दी रूरल एरिया। बट पहले से बेटर प्लानिंग अब हो रही है। तो द टोटल अलाइव इन्फेंट्स इन 1 ईयर पर 1,000 पर्सन इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड बर्थ रेट। यहाँ पे कंपैरिजन शो किया है बर्थ रेट और डेथ रेट का। तो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जैसे बर्थ रेट इंक्रीज होता है वैसे डेथ रेट में डिक्रीज होता है। और पॉपुलेशन स्टेडी कब होता है? जब बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम इक्वल पे हो। और डिक्रीज इन पॉपुलेशन तब होता है जब डेथ रेट ज़्यादा हो कंपेयर टू दी बर्थ रेट। ओके, सो दिस इज़ द कंपैरिजन शोन बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। सो बर्थ रेट में नंबर ऑफ अलाइव इन्फेंट्स से छोटे बच्चों की अलाइव रेट थी, यहाँ पे डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ्स हैं इन अ ईयर पर 1,000 पर्सन एक स्पेसिफिक एरिया का इज कंपेयर टू एज डेथ रेट। एंड वन हु टेक्स बर्थ डाइज टू, हेंस द डेथ रेट कैन नेवर बी जीरो। तो मतलब जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मरता भी है, तो डेथ रेट कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। स्टिल वेरियस रिसर्चेस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन, वैक्सीनेशन या कोई डिजीज कंट्रोल ओवर डिजीजेस, नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेथ रेट हैज़ गॉन मच डाउन। ओके, नेक्स्ट वी हैव माइग्रेशन। तो व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन।
people indulging into a range of activities in order to earn and develop. तो जब लोग activities में engage होते हैं, जब वो कमाना चाहते हैं, growth करना चाहते हैं, develop होना चाहते हैं, तब social cultural needs also compel people to keep migrating. तो उन्हें migrate करना पड़ता है, एक place से दूसरी place पे shift होना होता है. तो rural population is attracted towards the urban areas for better facilities in education, business, industry, एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूरल पॉपुलेशन मतलब जो गांव के लोग हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं अर्बन एरियाज में, मतलब सिटी एरियाज की तरफ, क्योंकि वहां पे बेटर एजुकेशन है, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, जॉब के चांसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे मौके हैं. तो करंटली जो 62% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गुजरात जो रूरल एरियाज में है और 38% जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो जो क्लासिफिकेशन है टोटल पॉपुलेशन का, हम वेरियस कैटेगरी में करते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं. तो ये जो कैटेगराइजेशन है वो मेल फीमेल के बेसिस पे हो, एज ग्रुप के बेसिस पे हो, लिटरेसी रेट मतलब लिटरेट इलिटरेट के उसमें फैक्टर में हो, रूरल पब्लिक गाँव या सिटी का है वो कंपेयर करके हो, रिलीजन के हिसाब से हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप से हो, प्रोफेशनल ग्रुप से हो, ऐसे वेरियस कैटेगरी में जब हम टोटल पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन कंपोजिशन. एंड सडन थ्रू द स्टडी ऑफ दिस कैटेगरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो ऐसे कैटेगराइज करके हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बेटर आइडिया मिलती है. तो एज स्ट्रक्चर में जो टोटल पॉपुलेशन है किसी भी नेशन का, उसे हम कंपेयर करते हैं 3 एज ग्रुप्स में, मतलब चिल्ड्रन, अडल्ट एंड देन वी हैव द सीनियर सिटीजन. तो यानी 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो चिल्ड्रेन ग्रुप में, 15 to 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो अडल्ट, और सीनियर सिटीजन होता है जिनकी एज अबाव 59 हो. और अमंग द अबाव 3 ग्रुप्स जो मैक्सिमम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखा जाता है वो फर्स्ट और थर्ड के ग्रुप में है. यानी 2001 के सेंसस के हिसाब से 35% to 40% जो टोटल पॉपुलेशन का है देवर बिलो द एज ऑफ 18, और 7 to 10% जो है वो सीनियर सिटीजन है, एंड द रेस्ट ऑल वर ऑफ विच ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप दैट इज अडल्ट बिटवीन द एज ऑफ 15 to 59. And here we have one thing to know, the proportion of senior citizen is high in Japan. Japan में senior citizen की जो proportion है वो ज़्यादा है, पर हमारी country में it is for adults. And project, the survey 10 families in your area and gather information about their age, classify the information into 3 age groups. Here a project is given, but it is not necessary to do it now. So area wise our country India stands 7th in the world, okay. And now the next topic is sex ratio. So sex ratio can be defined as a number of females per 1000 males. मतलब जितने number of females को हम compare कर रहे हैं with the 1000 males. तो sex ratio has been reduced consistently since 1951. तो 1951 से अगर हम compare करें तो sex ratio reduce होता जा रहा है. यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हैं इंडिया के. ओवरऑल इंडिया का नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स में 940 है, यानी नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो है 955 था जो 952 में चला गया कंपेयर टू 1000 मेन. और हमारा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, आसाम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स सेक्स रेशियो यहाँ दिया हुआ है इन फ्रॉम द सेंसस 2011 का, ओके. सेंसस 2021 में एक नया आएगा. एवरी 10 ईयर्स दिस सेंसस इज बीन डन, जो हम लास्ट लेसन में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट. Next is literacy. So the development of any country depends on the literacy rate of that country. तो मतलब
कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो यानी वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है लिटरेसी रेट पे, मतलब एजुकेटेड लोगों पे। लिटरेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट। तो लिटरेसी के थ्रू हम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे हम देख सकते हैं कि उस कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उनकी सोशल डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है। और लिटरेसी इज़ ऑल्सो अ की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, किसी भी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर फैक्टर बोल सकते हैं लिटरेसी है। द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी वॉज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेंसस ऑफ 1991, जिसके हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल जो हु इज 6 ईयर्स और अबव एंड हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज में बी कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो मतलब 1991 के सेंसस के टाइम पे लिटरेसी के लिए एक डेफिनेशन फिक्स की गई थी जिसके हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 6 ईयर्स का है या उससे ज़्यादा का है, जो कोई भी एक लैंग्वेज को अच्छे से रीड राइट और समझ सकता है, उसे हम लिटरेट कंसिडर कर सकते हैं। और लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंसली, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली, जो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लिटरेसी रेट को कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, लिटरेसी रेट इज़ अ मेजर फैक्टर। यानी लिटरेसी को एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करने में। नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो एनी पर्सन इन द कंट्री एंगेज इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ इंक्लूडेड इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप। तो कोई भी पर्सन जो इन द कंट्री जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, उसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप में रखा जाता है, जिसे डिवाइड किया जाता है अर्निंग पॉपुलेशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो अर्निंग पॉपुलेशन इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। यानी जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उसकी वजह से अर्निंग पॉपुलेशन में एक कंसिस्टेंसी इंक्रीज आया है। सो चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन, वी हैव क्वान्टिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। तो क्वान्टिटेटिव चेंजेस में समटाइम्स वी नोटिस अ राइज और फॉल इन दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और जब लोग दूसरी प्लेस से एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट होते हैं, तो उस सब की वजह से ये जो राइज एंड फॉल है वो होता है। द कंडीशन लीडिंग टू द क्वान्टिटेटिव चेंजेस आर लैंडलेसनेस, लो और हेड लैंड रेशियो, अर्बनाइजेशन या फिर सोशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस। एंड इन क्वालिटेटिव द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन हेल्थ एंड एजुकेशन, वो सब क्वालिटेटिव में आता है। यानी इट अल्टर्स अ वे ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर या फिर स्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आता है व्हेन दिस क्वालिटेटिव चेंजेस अकर। द अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस आर डिडक्शन, हार्ड वर्क, पेट्रोलिज्म, एंथुजियाज्म, करेज। और ये जो फैक्टर्स हैं वो सोशल कल्चरल चेंजेस भी लाते हैं, लाइक रिलीजियस ग्रुप और लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री स्टेट है जहाँ पे हर पर्सन को अपने चॉइसेस के रिलीजन को फॉलो करने का फुल राइट है। सो पीपल हु लिव इन फॉलो डिफरेंट रीजन स्टे टूगेदर हियर। तो रिलीजियस ग्रुप में क्या होता है, जो लोग जो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, वो साथ में रह सकते हैं। अमॉन्ग ऑल द रिलीजियस, हिंदूज आर इन द मेजॉरिटी, फॉलोड बाय मुस्लिम, क्रिश्चियनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसिज्म एक्सेट्रा। तो व्हेन वी कंपेयर इन इंडिया, वी हैव हिंदुज़म्स इन मेजॉरिटी एंड देन वी हैव मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज। एंड इन द लिंग्विस्टिक ग्रुप, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद डाइवर्सिटी एज इट्स प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया एक लार्ज कंट्री जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले, मतलब डाइवर्सिटी एक प्राइम फैक्टर है इंडिया का। और करेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, और जिसमें से हिंदी एंड इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी द टू ऑफिशियल लैंग्वेज। और द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जो स्टेट्स फॉर्म्ड हैं इंडिया में, वो किसके बेसिस पे हैं, लैंग्वेजेस के बेसिस पे।
Next we have health structure. The health of a person is defined by the physical, mental, emotional, social, economical, उसकी spiritual well-being से हम किसी भी person का health measure कर सकते हैं. And the best level of health helps in fostering the process of national development. जब वहाँ के हर citizen best level पे हो health की, तो वो हमारे national development के process में help कर सकते हैं. Next topic is national population policy. So the population of a nation is its wealth and strength. तो कोई भी नेशन का population उसकी wealth है, उसकी strength है. यानि if a human resource is educated, trained, healthy and strong, then it will foster the development of nation. कि कोई भी नेशन में जब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो अगर एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, ट्रेंड हो, हेल्थी हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वो नेशन के डेवलपमेंट में अपना योगदान, अपनी मदद कर सकते हैं. अ केयरफुली प्लान्ड यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें अगर केयरफुली प्लान करके यूज़ किया जाए, तो वो एक अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छी नींव नेशन के डेवलपमेंट में रख सकते हैं. To keep the pace with the developed nation, it is very important that the human resource is developed. तो कोई भी नेशन को डेवलप्ड नेशन रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस नेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो भी डेवलप्ड हो. द फैक्टर दैट हैम्पर द प्रोसेस ऑफ अ नेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड. तो जो फैक्टर है जो नेशन के प्रोग्रेस में कोई भी प्रॉब्लम करे, हैम्पर करना मतलब कोई गड़बड़ करना या कोई प्रॉब्लम करे, तो उस फैक्टर्स को एलिमिनेट करे या कंट्रोल करे, मतलब स्टॉप करे या तो फिर उसे इन कंट्रोल करे. ओवर पॉपुलेशन इज वन सच फैक्टर विच हैज़ टू बी डील्ड विद एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्टेड सिंस 1951. तो जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो वो एक बैड फैक्टर है जो हमारे कंट्री के ग्रोथ में प्रॉब्लम कर सकता है. तो इसलिए पॉपुलेशन की जो पॉलिसी है जो 1951 में अडॉप्ट की गई थी, उसे उस फैक्टर को और रिकंसिडर करना होगा. As a part of national population policy, जो various programs हैं, nutrition food program है, care for mother and child, pure drinking water, school health programs, safeguarding the right of children, etc. must reach to the grassroots level. मतलब जो different programs या policies national population में जो policies हैं, जिसमें nutritious food provide करने के programs हैं, mother और child की care के programs हैं, drinking water, pure drinking water provide करना है, school में health programs conduct करनी है, children's के rights को protect करना है, safeguard करना है, ये सब जो programs हैं ग्रास रूट लेवल, मतलब हर लेवल पे एकदम लो लेवल से ही शुरू करना होगा. इवन द 5 ईयर प्लान्स आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस. तो 5 ईयर प्लान्स जो बनाए गए हैं, जो नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी को माइंड में रखकर, उसे फोकस कर वो प्लान्स को हर पर्सन तक रीच आउट करना होगा. वी मस्ट रिजॉल्व टू कंट्रीब्यूट एज कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. तो हर पर्सन को अपना एक कंट्रीब्यूशन, योगदान देना है, कैसे, कमिटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के, ताकि हमारा नेशन भी प्रोग्रेस कर सके. ओके, हेल्दी इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, मतलब जो कंट्री प्रॉस्परस है कब, जब उसके सिटीजन्स मेंटली और फिजिकली प्रॉस्परस या खुशहाल होंगे. तो हेल्दी इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, दैट कंट्री इज प्रॉस्परस वो सिटीजन आर मेंटली एंड फिजिकली प्रॉस्परस. दैट्स इट अबाउट द लेसन. रीड द लेसन. इफ देयर इज एनी वर्ड दैट इज नॉट क्लियर टू यू, मेक श्योर दैट यू आस्क योर डाउट and make sure that you are reading the lesson completely, and whatever PDF is coming in the group, you should write it in the notebook. I want your notebook to be completed. So that's it about the lesson. Thank you for listening.